So hey, what is up everybody? Assalamualaikum, namaste. My name is Ashfaq Pooja. Welcome back to my YouTube channel, The MV Vlogs. So yes, we're back with another video this week. This week तो नहीं, मतलब हर हफ्ते तो हम अपलोड करते नहीं है. देखो कैसा है ना, जब भी वक्त मिलता है तब हम अपलोड करते हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा हमारे साथ. हर व्लॉग की तरह इस व्लॉग में भी मजा होगा और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होगा. इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे कि है ना, शिप पर अप्लाई कैसे करना और शिप पर सैलरी कितनी होती है. सही बात है कि नहीं? देखो, क्योंकि बहुत लोग सर्च करते हैं वीडियो कि अपन शिप पे अप्लाई कैसे करें, और सेकेंड थिंग अगर अप्लाई करते हैं तो डिपार्टमेंट कौन सा होगा, सैलरी कितनी होगी. अरे कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, हम आपको बताएंगे कि ये सब कैसे होगा. तो बने रहना इस व्लॉग में, और एक फट से एक ना छोटे से इंट्रो के बाद व्लॉग में वापस आना, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. और हम ना लास्ट में ये भी सजेस्ट करेंगे आपको कि सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सी यू आफ्टर अ क्विक इंट्रो, लेट्स गो. तो ये एक बढ़िया से इंट्रो के बाद हम वापस आ चुके हैं. तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो है ना, शिप पे काम करने के लिए ये बात अपने दिमाग में ना डाल के एकदम से ऐसे लॉक करके चाबी को फेंक दो बाहर, क्योंकि ये बात एकदम पक्की है. क्योंकि अगर आप लोगों को शिप पे काम करना है तो भूल जाओ कि आपको हफ्ते में छुट्टी मिलेगी. हफ्ते में हमें कितने, बेसिकली दो छुट्टी मिलती है, एक छुट्टी मिलती है अगर हम इंडिया में काम करते हैं तो. सही बात है, बट शिप पे ऐसा नहीं है. आपको छुट्टी के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाता है, सच बात बता रहा हूँ, छुट्टी आपको बिल्कुल नहीं है. तो छुट्टी अगर आप ऐसे सोचते हो कि छुट्टी मिलेगी उस दिन मैं यहाँ घूमूंगा, नहीं. आपको यहाँ पे बेसिकली या तो स्ट्रेट शिफ्ट होगा, स्ट्रेट शिफ्ट यानी मिनिमम ये कहते हैं कि 10 घंटे, बट मैक्सिमम समवॉट अराउंड 12 घंटे 13 घंटे कभी कभी हो जाते हैं. स्ट्रेट शिफ्ट है तो आपका चलता है, क्योंकि आपको मौका मिल जाएगा बाहर बाहर घूमने का. ब्रेक शिफ्ट हो तब भी आपको ना बस 2 घंटे 3 घंटे मिलते हैं, उसी में आपको घूमना होगा. जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा, लास्ट व्लॉग में हमें कम टाइम मिला, कम टाइम में हमने पूरा इस्तेमाल किया. तो बस ऐसे ही होता है. तो छुट्टी भूल जाओ. लंच ऑफ होता है, लंच ऑफ के लिए भी आपको है ना बहुत मुशक्कतें करनी पड़ती है. मतलब आपको इन्फॉर्म, पहले शेफ को इन्फॉर्म करना होता है. शेफ अगर हाँ कहे तो फिर आप लंच ऑफ ले सकते हो. लंच ऑफ भी करीबन कितने घंटे का होता है, 11 से 5:30 का, ये 5-6 घंटे का लंच ऑफ होता है. बट उसमें भी बट क्या ही होगा, है ना. तो वही है कि ये बात को लॉक करके चाबी को फेंक दो. चाबी आप ढूंढने की कोशिश भी मत करना अगर आपको शिप पे काम करना है. टोटली कॉन्ट्रैक्ट होता है 9 मंथ का. हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है मैक्सिमम. मिनिमम वो 7 मंथ करते हैं या फिर 8 मंथ करते हैं, डिपेंड कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. अपनी कंपनी मिनिमम 7 से 8 मंथ करती है, 9 मंथ मैक्सिमम करती है. ओके, अगर 9 मंथ के बाद भी चाहे तो आप 3 महीने एक्सटेंड कर सकते हो. अगर वो एक्सटेंड करते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन वर्क प्लेस पे कुछ भी हो जाता है तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है. कंपनी इसका खर्चा कुछ नहीं उठाएगी. जैसे आप हार्ट, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो, बट हार्ट टूटो, पैर टूटो टूटो, तो वो कंपनी नहीं देखती है, आपको देखना पड़ेगा. वीडियो में जैसे मैंने बताया, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनीज है जो आप अप्लाई कर सकते हो, कितनी कंपनीज है, सैलरी क्या होगी, डिपार्टमेंट्स कौन से होंगे, और कौन सी अच्छी कंपनी है. और बाकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अप्लाई करने के, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा. तो वीडियो में बने रहना और फटक से जाके लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर दो यार. कब करोगे यार, करना है कि नहीं तुम्हारे भाई को फेमस? मैं फेमस तो आप लोग फेमस, आप लोग फेमस तो भैया बस और क्या है, जहां जाओ वहां दम फैम. हाँ तो भैया पहली कंपनी देखो, मतलब बहुत सारे कंपनी है आपको यहाँ 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 कहाँ कहाँ तो नाम दिखेंगे, आप देख लेना. बहुत सारे कंपनी मैं रीड करता हूँ, मैंने ना लिख के रखा है बिकॉज मुझे कुछ याद नहीं रहता. बता दो आपको, कोस्टा क्रूजेस, वाइकिंग क्रूजेस, रॉयल कैरिबियन ग्रुप, डिज्नी क्रूज लाइन, आइडा, वर्जिन वॉयज, PNO क्रूजेस, MSC क्रूजेस, प्रिंसेस क्रूजेस, कार्निवल क्रूजेस, सेलिब्रिटी क्रूजेस एंड मैनी मोर. मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. एंड मैनी मोर लिखा वो भी पढ़ा मैंने, इम्पोर्टेंट है सब कुछ लिख के रखना फिर पढ़ना इम्पोर्टेंट है. तो बहुत से क्रूज है, बहुत से क्रूज कंपनी है. ये तो मैंने बस कुछ 10-12 लिखे हैं, इसके अलावा और भी हैं. टोटल आई गेस अराउंड 25 या 30 ऐसे कुछ हैं, बहुत सारे एन नंबर क्रूज लाइन है. ओके, और यहाँ पे आपको
जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस की बात मैं करूंगा अभी। अगर आपको इसी किसी कंपनी में जॉब करना है तो मिनिमम आपको एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर। अगर आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में करना है, जैसे प्रोडक्शन लाइन, एफएमबी लाइन, सॉरी एफएमबी सेम, तो एफएमबी फूड प्रोडक्शन लाइन, या फिर आपको हाउसकीपिंग करना है, या फिर और कुछ करना है, तो आपको हॉस्पिटैलिटी, बेसिकली होटल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए। तो 1 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए आपको आपके पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे। और यहाँ पे आप जब अप्लाई करोगे तो ये सोच के मत करना कि मैंने 1 ईयर किचन में एक्सपीरियंस लिया तो किचन में मेरे को मिलेगा। डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यूअर मूड, इंटरव्यूअर का मूड अच्छा हुआ तो आपको वो एज अ शेफ भी ले सकता है, नहीं अच्छा हुआ तो वो आपको एज अ गैली ऑपरेटर, गैली ऑपरेटर मतलब आपको है ना क्लीनिंग वगैरह ये सब होता है, मतलब वो भी सही काम होता है। वहां पे एक्सपीरियंस लेना 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद, 1 कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप गैली में, किचन में शिफ्ट हो जाना। गैली भी किचन के अंडर रहता, मतलब गैली, इट्स टोटली गैली, किचन गैली सब सेम है। समझ जाओगे अगर आप एक बार आप इसके बारे में पढ़ने लगोगे ना तो समझ जाओगे। और मेरे को पता है आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो, इस वीडियो पे क्यों क्लिक किए, क्यों आपको जानना है कि यहाँ पे ज्वाइन कैसे करें, इस कंपनी में ज्वाइन कैसे करें। तो भैया वही हम बता रहे हैं, थमिएगा, वही बता रहे हैं। जैसे हमने बताया 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको इसे अप्लाई करने के लिए कंपनी में 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, मैक्सिमम आपकी मर्जी। अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट कौन सा होता है। जैसे मैंने बताया किचन, एफएमबी, फिर होता है हाउसकीपिंग, फिर होता है आपको स्टोर कीपर, मतलब जो भी प्रोविजन होता है, मतलब प्रोविजन मास्टर, या तो प्रोविजन मतलब जो भी होता है अपने स्टोर में, सामान खाने पीने का, फ्रूट से, वो स्टोर कीपर होता है। फिर आपको टेलर होता है, फिर आपको बहुत सारे, मतलब ऐसे मान के चलो कि एक पूरा सिटी होता है, पूरा स्टेट होता है जहाँ पे आपको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, टेलर से लेके हाउसकीपिंग से लेके स्टोर कीपर, लॉन्ड्री, फिर अपना इंजन डिपार्टमेंट होता है, इंजीनियर्स ऑल्सो कैन अप्लाई, इंजीनियर एज इन डीजल इंजन, फिर वो जो भी आप लोग करते हो वो लोग अप्लाई कर सकते हो, और मैकेनिकल इंजीनियर्स वो अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियंस अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड थिंग एसी टेक्नीशियंस अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं। लाइक आप ये मान लो कि जो भी चीज़ें एक शिप को चलाने के लिए चाहिए होती है, जैसे एसी, इंजन, फ्रिज, ये वो A to Z, उसके लिए वर्कर्स तो चाहिए, लेबर्स तो चाहिए, तो वो हायर करते हैं। तो ये सब लोग, ये सब चीज़ अपने यहाँ पे डाल देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मत समझना कि शिप पे जाओ तो बस शेफ़ या फिर वेटर को काम मिलता है, नहीं, सबको काम मिलता है भैया। आप कुछ भी पढ़े हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा, ओके। और अप्लाई कैसे करना है मैं बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ कंपनीज़ के लिंक डाल रहा हूँ जहाँ पे आपको जाकर आपका अपना रिज्यूम अपलोड करना है, अपडेटेड रिज्यूम अपलोड करना है, और वहाँ पे आपको कंपनीज मेल करेंगी अगर वैकेंसीज होंगी। अगर ये भी नहीं है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे DM करना, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा और लिंक में भी होगा, तो मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट शेयर करूँगा, आप उन कॉन्टैक्ट्स को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके या फिर मेल आई डी शेयर करूँगा, मेल करके आप अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हो। और मैं आपको 90% चांसेस दे सकता हूँ आउट ऑफ 100 कि आपको रिप्लाई आ जाएगा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते हो तो। डन है, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कंपनी में आपको अप्लाई करना है। देखो, आई वर्क फॉर कोस्टा क्रूजेस विच कम्स अंडर कार्निवल, ओके, बट मैं ये बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा कि इस कंपनी में आप जॉब करो, बिकॉज यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े अलग हैं, इंटरनेट का इशू है बहुत, ओके। इंटरनेट यहाँ पे आपको फ्री है नहीं, आपको पैसे से खरीदना होता है। सेकेंड थिंग, छोड़ो यार, क्या बताना, क्यों नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, है ना, पॉजिटिव बातें करेंगे। बस ये है कि जान लो कि कोस्टा में आप लोग अप्लाई करना मत करना, कोस्टा कैंसिल कर देना अपने लाइन से, है ना, हम आपको वही बताएंगे जो अच्छी चीज़ है। सेकेंड थिंग, आई सजेस्ट यू MSc, इंटरनेट फ्री है, इम्पोर्टेंट है भैया, हमारे व्लॉग कैसे देखोगे अगर आप इंटरनेट फ्री नहीं होगा तो, है ना, इंटरनेट फ्री है, प्लस आपको पे अच्छा है, सैलरी अच्छी है। सेकेंड थिंग, आपको कंपनी बहुत अच्छी है, क्रूजिंग भी बहुत अच्छी करती है, नॉर्वे, यहाँ वहाँ, दुबई वगैरह जाती है। सेकेंड थिंग, आपको मेन थिंग है, पैसा बहुत अच्छा है वहाँ पे, हम भी कोशिश कर रहे हैं, अगर हो जाए अपना तो ठीक है, वरना फिर भगवान भरोसे। और
और अभी बात करते हैं हम सेकेंड कंपनी, वर्जिन। वर्जिन वर्ल्ड बहुत नई कंपनी है, उनके अभी तक दो शिप आ चुके हैं। थर्ड शिप उनकी ओपनिंग के लिए अभी तक मतलब रेडी है, ओपनिंग हुई नहीं, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो वर्जिन वॉयज। वर्जिन वॉयज के लिए अप्लाई करने के लिए कामाक्षी कंसल्टेंसी बोल के कोई है गोवा में, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाकर चेक करना। और किसी को पर्सनल नंबर चाहिए तो मुझे बताना, मैं जानता हूँ किसी थोड़े बहुत लोगों को वहां पे, तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, है ना। और वर्जिन वॉयज जैसे मैंने बताया MSC वर्जिन वॉयज रॉयल कैरेबियन, अगर इसमें आपको मिलता है तो भैया आपकी मतलब समझो कि आपकी लॉटरी लग गई, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी रॉयल कैरेबियन, और सबसे नंबर वन शिप भी इन्हीं की है, सिम्फनी ऑफ द सी रॉयल कैरेबियन की। तो इसमें भी आपको मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, देखो सब कंपनी में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, और जो मैं कंपनी सजेस्ट करूंगा आपको फिलहाल के लिए, 3 कंपनी मैं सजेस्ट करूंगा, MSC वर्जिन वॉयज और रॉयल कैरेबियन, बिकॉज ये कंपनी बहुत अच्छा पे करती है आपको, बहुत अच्छे मतलब है ना क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज देती है। तो इन 3 कंपनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके अप्लाई करना बिंदास एकदम, है ना। अब हम बात करेंगे सैलरी की, है ना। तो बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे ना कि ये जानने के लिए कि मेरी सैलरी कितनी है। अपे छोड़ दो वो बात, छोड़ दो, हम नहीं बताने वाले। बस अगर आपको जानना है तो आप कोस्ता में किसी को कांटेक्ट करना और पूछ लेना हमारे पोजीशन के लिए सैलरी कितनी है, अपने पोजीशन है कॉमिस दिकुजेन, पूछ लेना, है ना। बिकॉज क्या ही करोगे यार अपनी सैलरी जान के, फिर आप लोग कहोगे कि आते वक्त मुझे बाहर से ये ले आना वो ले आऊंगा। जैसे हम थोड़ा ग्रो करने लगेंगे ना, अरे आपके लिए ये क्या, आपके लिए एक से एक गिव अवे करेंगे, एकदम चुंबक वाले गिव अवे करेंगे, आप लोग देखना। और बाकी रही बात रॉयल कैरेबियन MSC और वर्जिन वॉयज, एक नंबर सैलरी पैकेज है, सच्ची बता रहा हूँ, आप बहुत खुश होगे। आपके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही आप इतना पैसा घर लेकर जाओगे ना, मतलब एकदम भर के, कि आप हो जाओगे मुंह से वर्ड निकल रहे हैं, अनाप शराब लाहौल बिलाकुवत, कि आप लोग ना खुश हो जाओगे कि मैंने भैया कुछ तो सेविंग्स की है। सही बात है, तो इस कंपनी में अप्लाई ज़रूर करना, ओके। और बाकी कुछ नहीं यार, बस यही है, आप लोग अप्लाई करना, खुश रहो, कमाओ, अपने परिवार को खुश रखो, अपने दोस्तों को खुश रखो, सबको खुश रखो, पैसे कमाओ यार, बहुत पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है ना। देखो पैसा तो कमा ही लोगे, बट ये बात सोच के आना कि है ना छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी, बॉडी रेस्ट आप मान लो कि आपकी नींद ऐसे होगी कट कट होकर कि 3 घंटे अभी, 4 घंटे अभी, 5 घंटे अभी, कंटिन्यू नींद या नसीब में है नहीं यहाँ पे, समझ लो। अगर आपका लक सही हुआ, आपको अगर स्टेट शिफ्ट मिलता है तो जीत गए आप। अपना लक वैसे बहुत सही है, बट कैसा है ना कि हर वक्त नहीं चलता है, किसी का भी नहीं चलता है भैया। तो बस भैया आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर नहीं मिला तो मुझे कमेंट में बताना कि भैया वीडियो ठीक से नहीं बना है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, और एक वीडियो बनाएंगे। सही बात है, बट कमेंट ये मत करना कि यार इन्फॉर्मेशन के नाम पे कुछ भी बताया। मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने पहले रिसर्च किया है, फिर सब कुछ लिखा है, उसके बाद मैंने आपको बताया, ओके। अगर मैं चाहता तो और भी कंपनीज आपको सजेस्ट कर सकता था, बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग है ना वो कन्फ्यूज हो जाए। तो 3 कंपनी याद रखना, MSC रॉयल कैरेबियन और वर्जिन वॉयज, इन 3 कंपनी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके अप्लाई करना। पर्सनल के लिए इंस्टाग्राम है ना, तो आओ इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे हमारे फॉलोअर्स बढ़ाओ यार, नया अकाउंट है, कुछ करो, बढ़ाओ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाओ। चलो मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सीजन, नेक्स्ट अपडेट, देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।